प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इस मुस्लिम देश पहुंच रहे हैं, वहां पीएम मोदी अपने प्लान को पूरा करेंगे। एक बार फिर इतिहास बनने जा रहा है और पूरी दुनिया इसकी साक्षी बनेगी। भारत के इस एक्शन पर पूरा विश्व हैरान और परेशान है। देखिए, जरा आप भी गौर से देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रवानगी में साफ संदेश छुपा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते कदम आने वाले तूफान की शांति को बयां कर रही है। इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो चल रहा है, ये उनके ब्रुनेई रवाना होने से पहले का है। वहां के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया भी प्रधानमंत्री मोदी को देखकर चौंक जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक मुस्लिम देश क्या करने गए हैं और आखिर पीएम का पूरा प्लान क्या है, ये सारे राज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो गए। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई से सीधे 4 सितंबर को सिंगापुर पहुंचेंगे। अब आपको हम ये भी बता दे कि ब्रुनेई पहुंचकर पीएम मोदी इतिहास रचने वाले हैं। पूरी दुनिया की निगाहें पीएम के इस दौरे पर टिक गई है। जहां ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा था। अब बता दे कि इस साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 40 साल भी पूरे हो गए हैं। ब्रुनेई में भारतीय समुदाय के लोगों की बात करें तो वहां संख्या 14,000 है। ऐसे में पीएम 3 सितंबर को स्थानीय समय शाम 5 बजे ब्रुनेई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के ब्रुनेई दौरे को लेकर कई अहम मुद्दे बताए हैं। यहां कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हसनल बोलकिया के साथ भारत की तरफ से सेमीकंडक्टर सहयोग, म्यांमार के हालात पर बात, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के साथ साथ हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस आयात पर चर्चा करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति और उनके प्लान के मुताबिक भारत के लिए यह दौरा काफी अहम है, जहां भारत को फायदा होगा। इसके बाद ब्रुनेई के दौरे के बाद पीएम मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम से भी मुलाकात करेंगे, जहां वो सिंगापुर के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों देश के दौरे पर पीएम कई बड़े सौगात लाएंगे, जहां पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। अब ऐसे में आप इस दौरे को लेकर क्या उम्मीद जता रहे हैं, आपको क्या कुछ लग रहा है, कॉमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे एचसीएन न्यूज, धन्यवाद।